नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू बार में ड्रॉप कैप फंक्शंस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू बार के काफ़ी फंक्शन क्लियर करा दिए हैं, तो आज जो बात होगी वो ड्रॉप कैप फंक्शन के बारे में बात होगी। इस फंक्शन का यूज़ हम कहाँ, कब, कैसे करें, तो आज की वीडियो में इस बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं ड्रॉप कैप फंक्शन के बारे में। दोस्तों, आपने कभी न्यूज़पेपर देखा होगा तो जहाँ पर पहला वर्ड कैप बड़ा होता है काफी, ठीक है, और बाकी सब छोटे 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 होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको उस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप ड्रॉप के फंक्शन के बारे में ड्रॉप के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए, मैंने एग्जांपल पे यहाँ पर मैंने एक देखा यहाँ पर ड्रॉप कैप का, तो देख मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर तो पहला वर्ड काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में लगानी है तो आप ड्रॉप कैप का फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसे करते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सा कोई मेरा एक कुछ आर्टिकल लिख लिया, कहीं से ले लिया, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉप कैप आपको लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको कर देते थोड़ा नीचे, इसे आपको दिखे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप कैप एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी वर्ड टाइप करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रॉप कॉप ये चल रहा है। अब यहाँ पर एक है इन मार्जिन, आपको यहाँ पर ड्रॉप कैप सेटिंग के काफ़ी वो चीज़ें मिलेंगी कि आपको किस तरह से सेट करना है, तो इसके अंदर नौ ऑप्शंस भी हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से ड्रॉप कैप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट भी आप रख सकते हैं इसका ड्रॉप कैप का, कोई भी एक्स वाई जेड आपको जो आपको लगे आप वैसा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप मेरे को थोड़ा टॉप में रखना है, ठीक है, इन मार्जिन रखना है, नहीं रखना है, तो तीनों आपके पास फंक्शन रहेगा। तो ड्रॉप को आपका मतलब आपको सिंपल सा है जी, समझ लीजिए कि पहला वर्ड मुझे काफ़ी लार्ज रखना है और बाकी सब स्मॉल रखना है, तो इस तरह की कंडीशन लगानी है तो आप ड्रॉप कैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ड्रॉप कैप फंक्शन समझ में आया होगा। आप एमएस वर्ड की इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, एंड थैंक्स, एंड बाय बाय।